किसी के पिता परचून की दुकान चलाते हैं, किसी के पिता मजदूरी करते हैं, मुफलिसी में रहकर पढ़े, लेकिन इन होनहारों ने अपने माता पिता और परिवार के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन कर दिया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और अब वक्त है उन टॉपर्स को सराहने का जिनकी मेहनत रंग लाई है। यह है वाराणसी के नमन गुप्ता। 600 में से 585 नंबर प्राप्त करने वाले नमन के पिता की परचून की एक छोटी सी दुकान है, मगर चौथा स्थान प्राप्त कर नमन ने पूरे वाराणसी में अपनी धूम मचा दी है। एक अच्छा अंक और पूरे प्रदेश में एक स्थान, कितनी खुशी है। बहुत खुशी है। श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने शिक्षक गण और माता पिता को। अच्छा नमन, ये पूरी पढ़ाई जो आपने की, कितना कठिन समय रहा, कितने घंटे पढ़ाई की आपने, कैसे पूरा? लगभग 5 घंटे हर दिन। 5 घंटे। अच्छा, पढ़ाई में अगर कहें तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो टफ था, पढ़ने में मुश्किलें हुई? टफ तो कोई नहीं था, बट कुछ सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही थी तो उसके लिए यूट्यूब था, यूट्यूब से। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें थोड़ी दिक्कतें हो रही थी आपको? SST के लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। अच्छा, बाकी सब टीचर थे अच्छे थे। अच्छा, स्कूल के साथ साथ कोई और सपोर्ट, कोचिंग वगैरह कुछ? कोचिंग, एक कोचिंग था, यूट्यूब कोचिंग एंड यूट्यूब। अच्छा अच्छा, परीक्षा के समय अगर बात करें तो कितनी जो है मन में घबराहट या कुछ उत्साह था कि हम कर लेंगे, ऐसा हाँ, कुछ हुआ था? हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत प्रोत्साहन दिया शुरू से ही, जब 10th क्लास में फर्स्ट डे गए थे तब से ही प्रोत्साहन था, लास्ट तक था। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, अगर और भी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के पाने के बाद? क्या कहे, अच्छा फ्यूचर क्या प्लानिंग है अब? IAS ऑफिसर बनना है जी, और उसके पहले भी एक ड्रीम है मेरा IIT कॉलेज में इंजीनियर बनने का। अच्छा, उसके पहले IAS के पहले। अच्छा, ये दोनों आपको करना है? मेरे मुझे इंजीनियर बनने की बहुत पहले से बनना है और IAS भी करना है। अब मिलिए मथुरा के कृष्णा झा से, जिन्होंने 97.65% के साथ यूपी में तीसरा स्थान हासिल किया है। कृष्णा के पिता मजदूरी करते हैं और उसके टॉपर बनने से परिवार की खुशी संभाले नहीं संभल रही। आज आपने यूपी बोर्ड में तीसरा स्थान हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी मेहनत करे तो कर सकता है, और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं रोज़ाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था और मेरे गुरुजनों ने और मेरे माता पिता ने इसके लिए मेरा पूरा सहयोग दिया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया, और बस यही है। कितनी परसेंटेज आपकी इसमें आई है आज? मेरी 10th क्लास में 97.67% आई है, और इसके लिए मेरे गुरुजन और मेरे माता पिता ने जो किया वही है। इसके अलावा कानपुर देहात के छात्र कुशाग पांडे ने हाई स्कूल में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। NPT ने कुशाग और उसके परिवार के साथ खास बातचीत की। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान, हाई स्कूल में दूसरा स्थान हासिल करने वाले कुशाग पांडे के घर में मौजूद है और बात करते हैं कि कुशाग ने ये सफलता कैसे हासिल की, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, इस पर हम कुशाग से चर्चा करेंगे। और अपने साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी 1-2 नंबर से रह गए हैं वो बच्चे ज़्यादा मायूस ना हो, वो और बेहतर प्रयास करें और बेहतर पोजीशन पे आए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मेरा मानना ऐसा था कि जितना पढ़ो उतना कवर करते चलो, ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो पीछे का भूलते जा रहे हो। पढ़ाई में क्या समस्याएं आई, किसने खासतौर पर आपकी जो मदद की? मेरे पढ़ाई में मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं जाने दिए, मुझे पहले सारी पढ़ाई पढ़ने कमी थी। कोई संसाधनों की कमी कभी भी महसूस हुई तो जैसा आगे क्या आपका लक्ष्य है, क्या बनना चाहिए? आगे मेरा लक्ष्य है कि जैसे मैंने हाई स्कूल टॉप किया वैसे इंटर में भी टॉप किया। फिलहाल इसके बाद भविष्य में क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप अफसर बनना चाहेंगे या किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मैं भविष्य में डॉक्टर की लाइन में जाना चाहूँगा, मुझे डॉक्टर बहुत पसंद है। डॉक्टर बनने की क्या कुछ खास वजह है, कोई खास वजह क्या? क्योंकि मैंने कोविड में देखा था कि कैसे कि लोगों की जान जा रही थी, कैसे उनके परिवार बिखर रहे थे, तब से मुझे डॉक्टर बनने के लिए और लगने लगा कि मुझे नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए।
सिविल सर्विसेज का जो क्रेज़ ज़्यादा है युवाओं में आजकल के बच्चे कोशिश करते हैं कि हम आईएएस और बीसीएस इस तरह तैयारी करेंगे, तो आपका रुझान उस तरफ नहीं है, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बन के आप सेवा करना चाहेंगे। चलिए, ये मेरी बातचीत अभी कुछ आगे हो रही थी, हम बात करते हैं इनके पिताजी से कि बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या मेहनत की और कैसे संसाधन जुटाए और क्या प्रयास किए और उसकी सफलता पर आज क्या कहें। क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार पांडे। आज आपके बेटे ने यूपी में हाईस्कूल में दूसरी रैंक हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे इसका? जी इस पर तो खैर हमारे सभी विद्यालय के जितने भी सहयोगी हैं उनका सबका बहुत बहुत आभार है, प्रधानाचार्य जी का, देख रेख सबकी, और हम लोगों का भी उचित मार्गदर्शन रहा, इसमें सहयोग नहीं होता तो कैसे इतना बड़ा स्कोर कर सकते थे, सहयोग तो रहा। एनबीटी ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक झा, मथुरा से निर्मल राजपूत और कानपुर देहात से गौरव की रिपोर्ट।